वेलकम बैक टू द वीडियो। क्या आपका भी व्हाट्सएप बार बार बैन हो जा रहा है जैसे कि मेरा बार बार बैन हो जा रहा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार बार आपका व्हाट्सएप क्यों बैन हो रहा है और इसे अनबैन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में आपको बात कर लेंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण और चैनल का नाम है पीके अरुण टेक्निकल। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही। हाँ, व्हाट्सएप बैन करने का कारण यही है कि हम कुछ ऐसे चीज़ वहाँ पे शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप में किसी को वीडियो भेज देते हैं या फोटो भेज देते हैं या स्टोरी लगा देते हैं, जो कि व्हाट्सएप का कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। ऐसे ऐसे फोटो पोस्ट कर देते हैं हम लोग, इसी कारण से हमारा जो व्हाट्सएप है उसको बैन कर देते हैं। तो ऐसा गलती आप करोगे तो आपका भी बैन कर देगा। तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ अपना मोबाइल की स्क्रीन में और वहाँ से हम अनबैन करने के तरीका हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप को इस तरह लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं आई बटन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपका सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इसको क्लियर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। इसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप को कर लेना है ओपन। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कि मोबाइल नंबर, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर बैन किया हुआ है तो क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन का जो ऑप्शन दे पा रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ नीचे देख सकते हैं विजिट और हेल्प केयर, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट एंड अकाउंट बैंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने लोड लेगा। फिर यहाँ पे अकाउंट बैंड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, अकाउंट एंड यहाँ पे उसके नीचे एक अकाउंट बैंड, तो इस पर अकाउंट बैंड में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ आपके सामने थोड़ा सा लोड लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाउट टेम्पोररी बैंड अकाउंट या अबाउट अकाउंट बैंड। तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे अकाउंट बैंड ही होता है, टेम्पोररी बहुत कम होता है, तो यहाँ पे अकाउंट बैंड में क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, तो इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको आना है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट इन टच का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपका लोड लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है व्हाट्सएप मैसेज सपोर्ट और यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ब्लू कलर का, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो जो यहाँ पे मांग रहा है वो सब आपको यहाँ पे भर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे एरो में क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कंट्री में आपको रहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका नंबर है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भर लेना है, जिस पर आपको जो आपका मोबाइल में चालू हो वही वाला आपको ले लेना है, मतलब कि जिसमें आपको कॉन्टैक्ट कर सके व्हाट्सएप वाला, उसको यहाँ पे ले लेना है। और नीचे में भी वही कन्फर्म ईमेल एड्रेस आपको लगा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप ये व्हाट्सएप किस नंबर में चला रहे हैं, किस मोबाइल में चला रहे हैं, एंड्रॉयड में चला रहे हैं कि आईफोन में चला रहे हैं, तो एंड्रॉयड में ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर मैसेज, तो यहाँ पे आपको जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जिस कारण से आपका ब्लॉक कर दिया गया, उसी का वो कारण आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण से आपका बैन कर दिया गया, वो प्रॉब्लम आपको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल ऐसे ही लिख लिया हूँ और यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं ये आपको लिख लेना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको इस जगह पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सेंड क्वेश्चन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से जितना भी आपने वहाँ पे प्रॉब्लम बताया, जो भी आपने ऐड किया, सब वहाँ पे व्हाट्सएप के तरफ व्हाट्सएप के पास चला जाएगा, व्हाट्सएप टीम के पास चला जाएगा और वो आपका जो अकाउंट ब्लॉक हो गया है उसे आपको अनब्लॉक कर देंगे, वो भी आपका 72 घंटा के अंदर आपका ये काम कर देंगे। तो इस तरह से आप आपका ब्लॉक किया हुआ अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं।